2. This is your second class of lesson 2. I hope you will find at your home and you can see students. I am also fine. So stay home, stay safe and stay healthy. As you know students, we have read about plants products in our previous class. And that was your homework also. And I hope you have completed your homework. But you know students, I can't check your homework right now. So keep your homework safely in your notebook. And students, now we will read about plants products like food from plants. You know students, different parts of plants provide us different kind of food like wheat, flowers, wheat, leaves, wheat, stems, wheat, root and other food grains also. And now we have again food from plants. We get nuts like groundnuts, walnuts, almonds and chestnuts from plants. Groundnuts, that means moongfali, walnuts, akhrot and almonds, that means badam. And the students, to add taste, color, smell and to our food, we use spice. And spice are made from dead parts of plants. स्पाइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं उससे. ओके स्टूडेंट्स, लाइक चिलीज, कोरिएंडर और क्लोव्स आर स्पाइस. एंड स्टूडेंट्स, वी गेट मैनी टेस्टी फ्रूट्स लाइक मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, इटीसी फ्रॉम प्लांट्स. यानी हमें वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स और नट्स के अलावा यहाँ फ्रूट भी प्लांट से मिलता है. कहाँ से? प्लांट से. सम फ्रूट्स आफ्टर पिलिंग ऑफ देयर स्किन. यानी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, छिलका, जिसे हम लोग पील बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पील. और उसे हम लोग कब खाते हैं? उसको छिलने के बाद. जैसे मैंगो को क्या करते हैं? मार्केट से लाने के बाद उसे वाश करके उसे इट नहीं करते, पहले उसे हम लोग उसे पिलिंग करते हैं. क्या करते हैं? पिलिंग. जैसे मैंगो और बनाना, ये सब उसे हम लोग पहले पिलिंग करते हैं, उसके बाद उसे ईट करते हैं. सम फ्रूट्स आर यूज फॉर मेकिंग जूस, जैम्स, सॉस एंड पिकल्स. लाइक जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, ग्रेप्स जूस, इटीसी. वी गेट टी, कॉफी एंड कोको फ्रॉम प्लांट्स. हमें फ्रूट के अलावा यहाँ पे टी, कॉफी और कोको भी प्लांट से मिलती है. कहाँ से? प्लांट्स से. टी एंड कॉफी आर यूज फॉर मेकिंग ड्रिंक. बट कोको इज यूज फॉर मेकिंग चॉकलेट. कोको से क्या बनता है? चॉकलेट. क्या बनता है? चॉकलेट. एंड स्टूडेंट्स, सम मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो. कुछ मेडिसिन भी हमें प्लांट से मिलते हैं. कहाँ से? प्लांट्स से. वी गेट डिफरेंट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, क्लोव्स, टर्मरिक, मिंट, इटीसी. तुलसी इज यूज टू केयर काउज एंड कोल्ड. तुलसी इज यूज टू केयर कफ एंड कोल्ड. एंड क्लोव्स आर हेल्पफुल फॉर केयरिंग टू टेस्ट. एंड नीम लीव्स हेल्प अस टू केयर स्किन इन्फेक्शन. And students, some food from plants and some oils from plants. Oil means क्या होता है स्टूडेंट? तेल. यानी ऑयल भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर प्लांट्स. वी यूज ऑयल फ्रॉम कुकिंग. मस्टर्ड, that means सरसो. मस्टर्ड means क्या होता है स्टूडेंट? सरसो. कोकोनट, यू नो वेरी वेल, कोकोनट फ्रूट होते हैं, उससे भी ऑयल बनता है. ग्राउंड नट, यू नो ग्राउंड नट, बादाम, मूंगफली, जिसे हम लोग मूंगफली बोलते हैं. और सनफ्लावर की जो सीड्स होते हैं उससे ही ऑयल बनता है. अब हम कुछ वुड फ्रॉम प्लांट्स क्या पढ़ेंगे. वुड means क्या होता है स्टूडेंट? लकड़ी. वुड means लकड़ी. वी गेट वुड फ्रॉम टीक, सीसम एंड वॉलनट ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर. वुड से हम लोग क्या बनाते हैं? फर्नीचर, लाइक टेबल, चेयर, डेस्क, ब्रेंच, ये सब कहाँ से बनता है?
लकड़ी से, और लकड़ी से ही बनता है ये फर्नीचर है. ओके, वी वुड फ्रॉम सम ट्री इज यूज एज फायर वुड ऑल्सो. फायर वुड ऑल्सो यानी लकड़ी का यूज हम लोग जलावन में भी यूज करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, सम फाइबर फ्रॉम प्लांट, सम फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर भी हमें प्लांट से ही मिलता है. सम प्लांट्स गिव अस फाइबर, दिस फाइबर्स आर यूज टू मेक थ्रीड. थ्रीड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, धागा. क्या होता है, धागा. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रीड. क्लोथ्स इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स. एंड जट इज ऑब्टेन फ्रॉम जट प्लांट्स. कॉटन कहाँ से मिलता है हमें स्टूडेंट, कॉटन प्लांट से. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, कॉटन प्लांट से. कहाँ से, कॉटन प्लांट से. एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट्स. जूट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पटुआ. क्या होता है, पटुआ. कॉटन थ्रेड यूज फॉर मेकिंग क्लोथ. कॉटन से धागा, कॉटन के धागा से क्या बनता है स्टूडेंट, क्लोथ. क्या बनता है, क्लोथ. और जूट यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड रग. रोप्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, रस्सी. क्या होता है, रस्सी. एंड स्टूडेंट, सम परफ्यूम एंड डाई फ्रॉम प्लांट्स. यहाँ हमें परफ्यूम भी प्लांट से मिलता है. किससे, प्लांट से. जूस एंड ऑयल फ्रॉम सम प्लांट्स आर यूज टू मेक सोप एंड परफ्यूम. सोप एंड परफ्यूम, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर लाइक रोज एंड जास्मिन. रोज एंड जास्मिन आर यूज टू मेकिंग परफ्यूम. यानी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो जिसके स्मेल स्वीट होते हैं, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, परफ्यूम. क्या बनाते हैं, परफ्यूम. हीना लीव्स आर यूज एज ए हेयर ड्राई. हेयर ड्राई इट इज ऑल्सो यूज टू डेकोरेट हैंड. हीना यानी मेहंदी, हीना यानी मेहंदी. मेहंदी से हम लोग क्या करते हैं, हेयर ड्राई भी और हैंड में भी डेकोरेट करते हैं. पेपर रबर एंड गम, पेपर रबर एंड गम ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स. प्लक ऑफ द बंबू प्लांट्स इज यूज टू मेक पेपर, इज यूज टू मेक पेपर. पेपर हमें कहाँ से मिलता है, प्लक ऑफ बंबू प्लांट्स. बंबू ट्री, बंबू ट्री डेट मीन्स बांस. देखो स्टूडेंट, बांस के जो प्लम्ब होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, पेपर. पेपर से क्या बनता है, पेपर इज यूज फॉर मेकिंग बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज पेपर. आपका बुक और नोटबुक में जो पेपर है वो कहाँ से आता है, बंबू ट्री से. कहाँ से, बंबू ट्री से. ओके स्टूडेंट. एंड सैप ऑफ द रबर प्लांट्स इज यूज फॉर मेकिंग रबर. रबर से इरेजर, टायर्स एंड टॉयज आर मेक यूजिंग रबर, यूजिंग रबर. रबर से हम लोग टायर्स बनाते हैं, इरेजर. आप इरेज करते हो लिखने टाइम में, जो वो इरेजर किससे बनता है, रबर से. किससे, रबर. और रबर कहाँ से आता है, रबर प्लांट से. स्टिक जूस फ्रॉम अकेसिया प्लांट्स इज यूज टू मेक गम. अकेसिया प्लांट्स ऐसे प्लांट्स है जिससे हमें गम मिलता है. उसके जो स्टिक के जूस होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, गम. एंड स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इज मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. हेल्प टू कूल एंड क्लीन एयर, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ. ऑक्सीजन टू ब्रेथ. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. लाइफ इम्पॉसिबल है विदाउट ऑक्सीजन. आई एम गोइंग ऑन योर HW. And that is your LW. We get many things from plants. We get many things from plants. First, vegetables. Cauliflower. Cabbage. Second, fruit. Mango. Banana. Grass. This. Third, food grain. Thank you.
पेपर एंड गम। SW, we get many things from plants like vegetable, fruit, food grains, oil, fiber and paper and gum. And the students, write down in your notebook.